सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जा। आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना। खबर को सिर्फ बताना नहीं, उसकी तह तक जाना। समाज के हित में समाज को आईना दिखाना। सच के साथ केवल बिहार और निज पर खबर को देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार और निज। मैं ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। विधान परिषद का चुनाव होने वाला है, लेकिन चलेगी किसकी, कौन कौन से कैंडिडेट हैं, उनकी प्रोफाइल क्या है, किस बैकग्राउंड से आते हैं, क्या धनबल का इस्तेमाल होगा या फिर उस पहुंच और पहचान का इस्तेमाल होगा, कैसे कैंडिडेट्स, किन किन पार्टियों ने किन्हें टिकट दी, किस तरीके से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये सारी चीजों को लेकर एक सवाल ये उठता है। सवाल कहीं है, सवाल यह है कि जब जब हम एमएलसी चुनाव की बात करते हैं तो इसमें एक पुराने रिकॉर्ड्स को अगर तलाशें या फिर देखें तो आपको इसकी चुनाव की जो परिपाटी है कि किस तरीके से कैंडिडेट्स खड़े किए जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके। सवाल यह है कि धन कुबेरों की क्या इस बार चलेगी, सवाल यह है कि उद्योगपतियों की चलेगी, सवाल यह है कि रसूखबाजों की चलेगी, रसूखदारों की चलेगी क्या, तो यह सवाल कितने जेन्युइन है, यह सवाल कितने जायज हैं। तो ये जो एक जो परसेप्शन क्रिएट किया गया है, एक जो माइंडसेट तैयार किया गया है या हो चुका है, इससे कैसे उबरने की कोशिश पार्टियां कर रही है। हालांकि पूरी लिस्ट अगर हम देखें तो तीनों ही पार्टियां, जो प्रमुख पार्टियां हैं, उनके पूरे रिकॉर्ड्स मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं और उसे अगर हम सरसरी निगाह से अगर देखें तो साफ तौर पर पता चलता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं वो काफी मजबूत हैं, रसूखदार हैं, कारोबारी हैं, और एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे कारोबार हैं, बालू कारोबारी हैं, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं, किसी के पास गैस एजेंसी है, किनके मेडिकल कॉलेज के मालिक हैं, कोई ठेकेदार है, तो ऐसे कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा है। इसलिए यह सवाल बिल्कुल सादगी के साथ पूछा जा रहा है कि विधान परिषद चुनाव में किसकी चलेगी। तो हमारे साथ तो जो सवाल है वो तो अपनी जगह पर है, हालांकि एक बार हम जरा रिकैप कर देते हैं कि इलेक्शंस के बारे में कि कब है चुनाव और कितने सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। ये 24 सीटों पर चुनाव होने हैं, 4 अप्रैल को वोटिंग, 7 अप्रैल को मतों की गिनती होगी। इसकी अगली स्लाइड ये कहती है कि 75 सदस्यीय विधान परिषद की 24 सीटें 16 जुलाई 2021 से ही खाली पड़ी हैं। आरजेडी भाजपा के साथ सभी 24 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और इधर एनडीए से बीजेपी, जेडीयू और पारस गुट के एलजेपी में भी एक तालमेल की स्थिति हो गई है, ये लोग सामने हैं। और हमारे साथ चलिए सीधे हम गेस्ट विंडो की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पूरे बिहार प्रदेश में 24 सीट के चुनाव हो रहे हैं, लगभग 2400 सीट के अगर प्रत्याशी को देखा जाए, खासकर के हम शाहबाद क्षेत्र में तो जरूर देख रहे हैं प्रत्याशियों का, शाहबाद रेंज, और ये पूरे बिहार की चुनाव ऐसी है, ये धनबल की चुनाव है। एमएलसी का जो चुनाव है ये धनबल की चुनाव है। किसी भी तरह का ग्राउंड रूट का नेता या सामाजिक कार्यकर्ता इस चुनाव में नहीं है, और पार्टी भी टिकट चुन करके उन्हीं लोगों को देती है जिनके पास धन बल, कोई अलग कार्य क्षेत्र में व्यवसाय से जुड़ा हुआ है तो कोई बालू के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, तो कोई दवा के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, तो कोई होटल के व्यवसाय से जुड़ा, लेकिन है व्यवसाय से जुड़े हुए और वो अच्छे धन बल का प्रयोग कर करके चुनाव जीतना चाहते हैं। हमें नहीं लगता है कि इस बार इस चुनाव में सबको झेलना पड़ेगा, जो भी धन बल का प्रयोग कर रहे हैं प्रत्याशी उनको झेलना पड़ेगा। अफसोस इस बात का है कि कोई भी पार्टी एक सामाजिक और ग्रास रूट का नेताओं को टिकट नहीं देती है, इस बात का मुझे बहुत ही बेहद खेद है, अफसोस है कि कम से कम एक पार्टी की ऐसी छवि होना चाहिए, प्रत्याशी की छवि होनी चाहिए कि जो जमीन से कर्जकर्ता जो उकड़ कर ऊपर आया हो, लेकिन यहाँ तो देखते हैं सभी पार्टी वाले क्या करते हैं, धन बल का प्रयोग करने वाले ही प्रत्याशियों को चुनाव में उतारते हैं, लेकिन धन बल के प्रत्याशियों को झटका लगेगा ही। मैं अजय कुशवाहा, रोहतास जिला जनता दल यूनाइटेड का जिला अध्यक्ष और डेहरी दक्षिणी के जिला परिषद। अभी एमएलसी का चुनाव चल रहा है, एमएलसी के चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी संतोष कुमार सिंह जी हैं, ये बघनी के रहने वाले हैं,
और चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी इनको चुनाव लड़ा रही है और चुनाव प्रचार बहुत अच्छा ढंग से किया जा रहा है। यह जनप्रतिनिधियों द्वारा वोट देकर एमएलसी को जिताते हैं और इसमें चुनाव प्रचार में हम लोग भी जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं, चाहे वह जिला स्तर के हों, प्रखंड स्तर के हों या पंचायत स्तर के हों, सभी लोग लगे हुए हैं और बेहतर ढंग से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। मैं कई प्रखंडों का दौरा किया जिसमें लोग संगठित होकर वहां पर एक मुश्त वोट देने का काम करने के लिए विचार कर रहे हैं और संतोष कुमार सिंह को हर प्रखंड में एक भव्य स्वागत हो रहा है, जहां वार्ड से लेकर मुखिया, बीडीसी, जिला परिषद के प्रत्याशी पहुंच रहे हैं और संतोष कुमार सिंह के द्वारा भी सम्मानित किया जा रहा है। और मैं सर्वे के तहत यह देखा कि संतोष कुमार सिंह काफी बहुमत से चुनाव जीतेंगे, यह मेरा दावा है। और यह चुनाव कुछ लोग कह रहे हैं कि यह धन बल का चुनाव है, लेकिन धन बल का चुनाव नहीं है। इसमें जिस ढंग से चाहे वार्ड का चुनाव हो, मुखिया का चुनाव हो, बीडीसी, जिला परिषद, एमएलए या एमपी, सभी में प्रचार प्रसार करने में खर्च होते हैं, लोगों को, वोटरों को सम्मान करने में कुछ खर्च होते हैं, वही सब मिनिमम खर्च है। और कम से कम खर्च में संतोष कुमार सिंह चुनाव जीतने का मैं दावा करता हूं कि हर हालत में चुनाव जीतेंगे, अच्छे वोट से जीतेंगे। इसमें हमारी पार्टी की आलाकमान ऊपर से माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी के द्वारा, राज्य अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के द्वारा, उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान है कि पूरी ताकत के साथ संतोष कुमार सिंह को जिताकर एमएलसी बनाकर हम लोग सदन में भेजने का काम करें। इसी रूप में हम पार्टी के तहत लगे हुए हैं। मैं भी एक जिला परिषद के नाते प्रत्याशी हूं और मैं उनको वोट दूंगा, एक प्रथम भर्ती के आधार पर वोट देंगे। और ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई पैसा लेकर कह रहा है, एक गलत बात है। इसमें किसी तरह के मैं दावा करता हूं कि मैं इसमें किसी तरह से कोई दिलदा नहीं है कि कोई पैसा लेकर यह काम कर रहा है, यही मेरा कहना है। और संतोष कुमार का जीत सुनिश्चित है, धन्यवाद। यह जो चुनाव है एमएलसी का, यह कोई दल के सिंबल पर नहीं हो रहा है, सभी दल ने अपने अपने कैंडिडेट उतारे हैं अधिकृत प्रत्याशी के रूप में। तो यह स्थानीय निकाय इसको जिसको एक सुलझा हुआ कार्यकर्ता चुनता है, यह आम वोटर नहीं है। तो जहाँ तक आपका सवाल है एनएसए चुनाव का, तो एनएसए जो सरकार अभी चल रही है उसके भी उम्मीदवार एनडीए के संतोष कुमार सिंह, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में कार्यकाल में अच्छा बिहार सरकार चल रहा है और उनका प्रत्याशी है संतोष, अच्छे प्रत्याशी हैं, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता है। यहाँ सवाल किसी के बिजनेस के बारे में, तो कोई ना कोई हर आदमी अपना अपना व्यवसाय करता है, वो भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है तो अपना व्यवसाय करता है। उन पर अभी तक किसी तरह का कोई आरोप नहीं, कोई प्रत्यारोप नहीं, साफ और स्वच्छ भी के हमारे एनडीए के प्रत्याशी हैं। तो हम ये आशा रखते हैं कि जिसकी सरकार है हमारे जनप्रतिनिधि उन्हीं को चुनेंगे ताकि इस सरकार में मदद हो सके। हालांकि वैसे यह सरकार को प्रभावित करने वाला चुनाव नहीं है, यह एक अलग चुनाव है, फिर भी जो लहर है वह एनडीए के पक्ष में है और संतोष कुमार जी निश्चित चुनाव जीतेंगे।